हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नाम अरसाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा 5 साल आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर आज रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए वजीर आजम इमरान खान ने बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नाम तजवीज किए हैं। इससे कबल अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जीलानी और इखलाक अहमद तारर के नाम तजवीज किए। सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन अरकान भी 26 जनवरी को रिटायर्ड होंगे और ताहाल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इनके नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के रिटायरमेंट के नतीजे में इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीरी के लिए वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक चीनी मजारी की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ था। ताहम फरीकैन नामों पर इत्तफाक न कर सके थे। अपोजिशन का मुतालबा है कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीरी का फैसला एक साथ करे और इस हवाले से अपोजिशन ने अदालत में दरख्वास्त भी दायर करा दी है।